नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, मित्र लोग हैं हमारे जो साथ में बचपन में खेला करते थे, और कुछ बचपन की यादें हैं जिसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और अर्जुन जी, अगर और बताइए कि कैसा लग रहा है अब बचपन से उठ करके इस पड़ाव पे आने के बाद क्या महसूस करते हैं अभी, जब हम लोग छोटे छोटे थे, एक में थे या उससे भी छोटे थे, जब हम लोग रस्सी में ईंट को बांध करके खींचते थे, बालू पे चढ़ाते थे, कहते थे कि हमारी गाड़ी चढ़ रही है। और उसके विषय में बताइए कैसा आज तब से और अब तक में क्या क्या महसूस आप करते हैं। कहा जाता है सर, पहले तो बचपन की यादें तो बहुत ही अच्छी होती हैं, और बचपन में ना ही कोई रोक होता है ना ही कोई टोक होता है, ठीक है। बचपन में जो चाहे जैसे चाहे वैसे खेले कूदे। पहले हम लोग चिकाई खेलते थे, और लोट पोट हो जाते थे, घर जाते थे तो डांटे भी पड़ती थी, और उसके बाद और ये होता था कि डांट पड़ने वाली है तो किसी की मशीन चलता था, ट्यूबवेल होता था ना पहले गाँव में, ट्यूबवेल होता था, इसमें आकर के नहा करके फिर उसके बाद कपड़े सुखाते थे, फिर पहन कर घर जाते थे, डांट नहीं पड़ेगी। ऐसे पेड़ों पर चढ़ के लखनी खेलते थे, कभी कोई डांगिया लेकर भी नीचे चले आते थे, ठीक है, हड्डी तो तोड़ दी थी, ऐसे ऐसे बड़ी कल्पना थी हम लोगों की। प्राइमरी पढ़ते क्या करते, एक दूसरे की बोरी पे पहले हम लोग बैठते थे, एक दूसरे की बोरी जब छुट्टी होने वाली थी तो दूसरे की बोरी दूसरे में गांठ मार के, और छुट्टी होती थी उसके बाद वो उधर अपने और खींचता था, हम कैसे देखते भी थे, एक दक्षिण साइड जाने वाला है तो एक उत्तर पूर्व साइड जाने वाला है, उसी का बांधते थे कि एक उधर खींचे थे कि इधर खींचे, ठीक है। ऐसे ऐसे कह के अब बचपना तो आज भी याद आता है तो बहुत हंसी आती है, एकदम ठीक है। तो साहब जी भी है हमारे, ये भी बहुत ये भी हमारे सब खे की क्रीडाओं में और खेलों में साथ रहे हैं, और कुछ इनकी भी जानकारी ले आप। और आज बताइए। और ठीक है, बस बचपन तो बचपन होता है, बचपन से जीवन में कोई बचपन का जितना जीवन में महत्व होता है हमारे हमारे हिसाब से तो और जीवन में बहुत कम ही होता है लग रहा है एकदम। लेकिन बचपन अच्छा गुजरा, अब गुजरते अब बना हम लोग की अब शादी पल हो गई है, लेकिन अब अभी भी बेरोजगारी से हम लोग गुजर रहे हैं, अब रोजगार के कोशिश है कि अच्छा रोजगार मिल जाए, किसी तरह जीवन यापन हो किया जाए जी। और उसके लिए आप नेटवर्किंग मार्केटिंग तरफ सुने हैं, जुड़े हैं आप? हाँ, नेट एक पहले तो हम तो डिप्लोमा किए, लेकिन वहाँ पे मैंने सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, दिक्कत हो गया, तो इसीलिए हालांकि मैं मारुति सुजुकी में काम किया था। अच्छा, कहाँ पे? वहाँ मानेसर गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव में। फिर उसके बाद घर आया तो एक्सीडेंट हो गया, उसके चक्कर में फिर मैंने जा नहीं पाया, 3-4 साल तो बेड रेस्ट हो गया था। फिर अब जीवन यापन के लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। अब देखिए तो वही एक हमारे सीनियर सर मिले थे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताए, तो वही आज मीटिंग वोटिंग है तो वही जाएंगे। बचपन आपका खुशहाल गुजरा सर? हाँ, बचपन सबका खुशहाल ही गुजरता है एकदम एकदम। आप ही के ट्यूबवेल में हम लोग स्नान करते थे कबड्डी और चिकाई खेलने के बाद। एकदम सही से अभी भी वो जब जाते हैं उसमें बैठते हैं तो वही फील आता है कि यार ये पानी इसी तरह कलकल कर छल छल करके यादगार आ जाता है अभी। हाँ, बस आप तो हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। सही सही, अब वापस जा नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे भाई दोस्तों, अगर आप के बच्चे हैं ना तो उनका बचपन आप कभी मत छीलना ना, उनको जैसे वो जिस तरीके से जीना चाहते हैं जीने देना, क्योंकि बच्चा देखिए जब किस टेंडर तक जाता है ना, जैसे मान लीजिए 6 हुआ 8 हुआ 9th हुआ 11 हुआ 12 हुआ 10 हुआ, तो वहां तक जाता है तो उसके अंदर समझदारी खुद आ जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। क्योंकि अब कुछ लोग मैं देखता हूँ सर, 5 क्लास के बच्चे जो पढ़ते हैं 1 2 3, उनको बहुत मोटिवेट करते हैं लोग कि आपको तुमको ये बनना है बनना। अरे उसको ये भी तो सिखाइए सर, पहले उसका बचपन खेल कर कैसे बीते, उसको तो अभी ये भी नहीं मालूम है कि मेरी कितनी पीढ़ियां है, कौन मेरे दादा कौन परदादा, कुछ नहीं मालूम है, और उनको आप IAS पीसीएस बनाने के चक्कर में लग जाते हो। मैं यही कहूंगा, हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि कभी भी किसी का बचपन ना छीने आप, ठीक है, उसके बचपन में ध्यान दे, बचपन जीने दे, क्योंकि लड़कों का ध्यान आप देखते थे कि पहले के लोग होते थे
दस साल ग्यारह साल बारह साल के हो जाते थे तो पहली क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। आज तीन साल का बच्चा नहीं हुआ जिसको चम्मच उठाना नहीं आता है, उसको आप पहली क्लास में एलकेजी यूकेजी में भेज देते हो, उसकी आजादी छीन लेते हो। सही, सही। तो ऐसा ना करके आप उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्रेरित होकर पांच साल तक छोड़िए और उसको प्रेशर ना डालिए, और पांच साल के बाद भी अगर वो बच्चा पढ़ने में अगर वीक है तो उसमें ये ना समझिए कि आपका बच्चा वीक है, क्योंकि एक मानसिक ग्रोथ होता है जो 10 12वीं साल तक, जब 12 साल का बच्चा होता है तो मानसिक ग्रोथ ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रोग्रेस कर जाता है, और उसकी जो पीढ़ी होती है जो बढ़ने की श्रेणी होती है वो ऑटोमेटिक जनरल हो जनरेट हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको पहले से मोटिवेट आप ना करिए कि ना ही आपको आईएएस ही बनना है, आईएएस बनने की पीढ़ी उनको कब मोटिवेट किया जाता है, जब वो नाइन्थ क्लास में जाते हैं उसके बाद उनका भविष्य तय होता है कि वो क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले तो हम यही जानते हैं कथा अंगा ये है अंगावानी कुछ ना, ठीक है। तो ये सब उनको मोटिवेट इतना ही करिए जितना वो सह सके आपके टीचर को, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को डंडे ना दिखाएं आप, कभी मार कर धमका कर उनको पढ़ाने की कोशिश ना करें उनको, बच्चे को बस करके जैसे भी आप पढ़ा सकते हो आप उतना आप उनको मोटिवेट करके आप उनको ये शिक्षा दो। बहुत बढ़िया लगा आपको, अच्छा बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सब मिला जुला के दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अपने जो बच्चे हैं आपके जो बच्चे हैं उनके पीढ़ी को सवारने के लिए पांच साल तक बच्चों को फ्री रखें और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाएं, खेल खेल से ही उनके मानसिक को विकास होने दें, और मानसिक का जब विकास हो जाएगा जो आईक्यू होता है उनका लेवल जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अपना कवर करते चले जाएंगे और आपको उतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चा समझदार जब हो जाएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी जब तक बच्चा समझदार नहीं है तब तक वो थोड़ा सा हल्का सा अंदर उसके दबा रहेगा मन में, लेकिन जब वो ऑटोमेटिक उछाल करेगा और ग्रोथ कर जाएगा तो विकास जब होगा तो वो किसी भी कंपटीशन को बीट करने में आसानी से बीट कर जाएगा। तो सब मिला जुला के आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए हम लोग दोस्त हैं, ये लोग अर्जुन साहब जी हैं, ए साहब जी हैं, और इधर अर्जुन जी बैठे हुए हैं, और हम लोगों के साथ में एक ही साथ हम लोग कबड्डी चिकई लखनी वगैरह वगैरह वो पानी में हम लोग खेलते थे, अम्मा अम्मा बेल ये सब खेले हैं। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते।